अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शान हलीम मिक्स। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसको नोट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 slab बारीक स्लाइस की हुई प्याज, शान हलीम मिक्स मसाला और 1 packet है शान मिक्स दालों का पैकेट। सबसे पहले देगची में हम ऑयल ऐड करेंगे, इसके साथ ही हम चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चिकन का कलर ताकि वाइट हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करके अब इसके अंदर हम शान मसाले का पैकेट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। मसाला भुन जाने के बाद मैं इसके अंदर मिक्स दालों का पैकेट शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 liter पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स बाकी ना रहें और तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे जब तक कि बॉयल ना आ जाए। एक बार बॉयल आने के बाद इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम हल्की आंच पर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में हम चमचा चलाते जाएंगे ताकि हमारा नीचे ना लग जाए। 30 मिनट्स के बाद हमारा हलीम मिक्स रेडी है। इसके बाद हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। तकरीबन 1 cup ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे और इसको डार्क ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज डार्क ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। हलीम मिक्स रेडी है, इसके साथ हमने हरा मसाला रेडी कर लिया है और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।